वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का मैं एक बार स्वागत करता हूँ। आज आप एलटीसी के सर्वर रूम में हैं। सर्वर रूम का मतलब है कि जैसे आपका कॉलेज कैंपस है, कॉलेज कैंपस के अंदर भी अगर आपको किसी को इंटरनेट देने की ज़रूरत पड़ेगी तो घर में क्या होता है कि हमें टेलीफोन लाइन लिया या मोबाइल से हॉटस्पॉट बनाया, हम इंटरनेट कर लेते हैं। लेकिन कोई ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पर आपको एक साथ 500, 1000, 10,000 लोगों को इंटरनेट देना है, ठीक है ना, जैसे आपका कॉलेज हो सकता है, एक साथ कम से कम 1000 लोग होंगे, ठीक है, तो सभी को इंटरनेट देना, तो वहाँ एक टेलीफोन लाइन से काम तो नहीं चलने वाला। तो इस केस में लीज लाइन लिया जाता है कि हम जो भी इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि BSNL हुआ, रिलायंस हुआ, टाटा, जो भी कंपनी होती है जो इंटरनेट प्रोवाइड करती है, तो उनसे लीज लाइन लिया जाता है। एक लाइन किराए पर ले लेते हैं कनेक्टिविटी, बाकी इंटरनेशनल लेवल पर या जो भी जोड़ना होता है उनका अपना खुद का अरेंजमेंट है। वो राउटर का जो हमने एक वीडियो आपको में दिखाया था कि एक कोर राउटर होता है, एक प्रोवाइडर ही होता है, कल हम डिस्कस कर रहे थे लाइन वैन के बारे में, उसमें हुई थी। तो अब हमारी बात होती है लोकल की, हम बात कर रहे हैं, ठीक है, इसी पे आपको प्रोजेक्ट भी बनाना है। तो लोकल में क्या करना है कि सबसे पहले एक लीज लाइन लेंगे। LTTC BSNL का एक पार्ट है, BSNL का एक ट्रेनिंग सेंटर है, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर आता है, तो BSNL से हमने एक लीज लाइन लिया हुआ है, ठीक है, और लीज लाइन हमने ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से आज की डेट में लिया जाता है। जो भी लीज लाइन होता है वो ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से लिया जाता है, इसी ऑप्टिकल फाइबर। और ये ऑप्टिकल फाइबर आप जो डायग्राम में देख रहे हैं, अभी प्रैक्टिकल में देखेंगे, तो इस ऑप्टिकल फाइबर में जो बैंडविड्थ होता है, अगर कोई आपसे पूछे कि ऑप्टिकल फाइबर में कितना इंटरनेट का स्पीड दे सकते हैं, तो थियोरेटिकली इनफाइनाइट, बट कहने का मतलब है कि आपने यमुना एक्सप्रेस में देखा, एक्सप्रेस वे आपने देखा है, यमुना एक्सप्रेस वे मतलब एक नया एक्सप्रेस वे बना, जब बना था शुरू में तो लोगों ने कहा कि कितने भी स्पीड से गाड़ी चलाओ और पहुंच जाओगे आगरा फटाफट, लेकिन जल्दी ही रोड एक्सीडेंट की घटनाएं घटने लगी। पता ये चला कि रोड में कोई समस्या नहीं है, लेकिन जो हमारे पास टायर हैं उस रोड के कम्फर्टेबल नहीं है, तो फिर बाद में रिस्ट्रिक्शन कर दिया गया कि बस 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ज़्यादा नहीं चलेगा, कार 100 से ऊपर नहीं जाएगा, 100 से नीचे रिस्ट्रिक्शंस कर दिया गया, क्योंकि हमारे पास टायर कुछ कंफर्टेबल नहीं। तो हमारे पास ये जो फाइबर हैं इसमें तो हम इंटरनेट इनफाइनाइट दे सकते हैं, कोई डाउट नहीं, लेकिन जो हमारे को इंटरनेट स्पीड देने के लिए जो सिस्टम की ज़रूरत होती है, ठीक है ना, वो मदद करते हैं राउटर और स्पीकर या जो भी लोकल डिवाइसेज होती हैं जो आपको इंटरनेट को ड्राइव करती हैं, वो इस लेवल के नहीं है कि जो इतनी स्पीड को हैंडल कर सके। तो अभी हमारे पास में BSNL के पास में या कोई भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन कंपनी है इंडिया के अंदर, जो भी इंटरनेट की स्पीड है वो CPAN नाम का एक नई टेक्नोलॉजी है, जिसमें आप 400 GBPS का, कितने 400 GBPS का इंटरनेट अभी प्रैक्टिकली दे सकते हैं। नया आया है उसमें 10,000 का भी दे सकते हैं, लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं है, चल रहा है। तो अभी अगर कोई पूछे कि इंटरनेट में मैक्सिमम स्पीड कितना है आज की डेट में, आज मतलब क्या तारीख हो गई, 7 फरवरी 2024, ठीक है, आज की डेट में प्रैक्टिकली कितना इंटरनेट पॉसिबल है, 400 GBPS का पॉसिबल है, लेकिन 400 के लिए पूरा का पूरा शहर बिक जाएगा, अभी इतना आसान नहीं पैसे के मामले में, ठीक है। तो लेकिन अभी 400 में जैसा BLTC है, मुझे यहाँ पे अभी भी करीब 1000 लोगों को इंटरनेट देना है, तो आज की डेट में मैंने ये पहले का बना हुआ है, 320 जब शुरू में लिया था फिर 100 था, और आज हमारे पास जो इंटरनेट की स्पीड है वो 300 Mbps, 300 Mbps में भी हम लोग 1000 लोग काम करते हैं बिना किसी परेशानी से, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा स्पीड होता है। तो इसमें 300 स्पीड ऑप्टिकल फाइबर से आया। ये मेरा राउटर है, ये हमारा कस्टमर एज राउटर है, किससे जुड़ेगा, ISP राउटर, PE राउटर, कलम बना रहे हैं डायग्राम में, PE राउटर यानी जो इंटरनेट प्रोवाइड करता है। अब यहाँ पे जो कुछ होता है ये आपको सीखना है, बताया जाएगा, ये आपका प्रैक्टिकल है। उसके बाद यहाँ से एक आउटपुट निकलेगा, और एक आउटपुट निकलेगा जितनी दूरी तक जाएगा वो सारा सारा क्या कहलाएगा, एक लाइन। याद आया कल को अगर आपने वीडियो देखा होगा तो मैंने राउटर कस्टमर एज राउटर का एक पोर्ट पूरी की पूरी इंटरनेट को प्रोवाइड करता है, राइट। अगर मैं यहाँ पे अकेला कंप्यूटर लगा दूँ, अभी ये कंप्यूटर ने भी सर्वर है, अभी यहाँ के निम्बल, तो पूरा 300 का मैं अकेला इंटरनेट करूँगा, लेकिन मैंने क्यों लिया, पूरे कैंपस में बांटने के लिए लिया। तो अभी आप तो भूल जाते हैं, इसको उठाकर हम यहाँ पे इस लैंड केबल का, और ये स्विचेज है, स्विच में जो भी कंप्यूटर लगाना है वाईफाई के माध्यम से जुड़ जाए, या एक स्विच से दूसरा स्विच लगाए और फिर हम कनेक्ट होते चले जाए, तो उस तरह से पूरे कैंपस में जो भी आप बनाना चाहो, जैसे कनेक्ट करना चाहो डिवाइस कनेक्ट कर सकते हैं। तो मेरे यहाँ पे क्या है,
अगर मैं पीसी की बात करूँ तो ये हमारा पीछे का लैब है सर्वर, पूरे लैब में करीब 40 कंप्यूटर जुड़े हुए हैं, ठीक है। और इसी के सेकंड फ्लोर पर, ठीक है, हमारे पूरा मोबाइल की लैब है और वहाँ पे करीब 250 के आसपास कंप्यूटर वो भी कनेक्टेड है। उसके बाद हमारे पास में ग्राउंड फ्लोर पे एक पुराना टेलीफोन एक्सचेंज का विजिट भी हमने वीडियो शेयर किया था, वो भी इंटरनेट से आज के ज़माने में अपडेट हो चुका है, तो वहाँ पे भी किया हुआ, ठीक। फर्स्ट फ्लोर पे, यहाँ पे भी फर्स्ट फ्लोर पे, ये तो लैब हुआ, लैब ग्राउंड में फर्स्ट फ्लोर पे भी सभी लोग हैं, तो बड़ा बड़ा बहुत बड़ा ये। और ये जो केबल है, लाइन केबल है, लाइन केबल की जो दूरी होती है वो कितनी होती है, 90 मीटर, लेकिन मेरा जो कैंपस तो 90 मीटर तो नहीं है ना, 1001 किलो हमारे कैंपस पूरा 81 एकड़ का फैला, तो एक एक कैंपस, एक एक किलो, कुछ कैंपस तो मेरे करीब 1 किलोमीटर की दूरी से भी ज़्यादा है, ठीक है। तो ये दूरी, ये केबल इतनी दूरी नहीं जा सकता, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे मीडिया कन्वर्टर यूज करते हैं और उसको ऑप्टिकल फाइबर में बदल देते हैं। और मीडिया कन्वर्टर के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारी जो ऑप्टिकल फाइबर का लेंथ है यहाँ से आगे कितनी दूर जाएगा। आजकल ऐसे ऐसे मीडिया कन्वर्टर हैं 100, 200, even 1000 किलोमीटर तक भी भेज सकता है, डिपेंड करेगा किस तरह का आपने मीडिया कन्वर्टर खरीदा है। आपने मीडिया कन्वर्टर लगाया और हॉस्टल से हमारे वहाँ पहुँच गए, वहाँ मीडिया कन्वर्टर लगाया, फिर रिटर्न बैक किया, किस बीच लगाया, कंप्यूटर वाईफाई सारा जोड़ दिया। ये नेटवर्क है, एक बेसिक डायग्राम एक कैंपस के अंदर बांटने का। सेम व्यवस्था पूरे दुनिया में, आप ये मत सोचिए कि मैंने केवल इलेक्ट्रिसिटी की बना, आपके कॉलेज में भी यही है, उनको भी नेट चलाना है तो एक राउटर लगाना पड़ेगा। अब उसके कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है कि राउटर क्लोन खरीदा है 2 लाख वाला या 27-50 लाख वाला वो खरीदा है। तो हम आपको रियल दिखाते, धीरे धीरे मूव करिए, पहुँच करिए।